एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पंजाबी गायक और लाखों दिलों की धड़कन अभिनेता दिलजीत दोसांझ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर। ये तस्वीरें सबसे पहले आप में से कई लोगों ने कल जयपुर में डिल्यूमिनाटी शो को अटेंड किया और जेसीसी सभागार में अपने दिल इल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट में संगीत से गुलाबी नगरी को दिलजीत ने झूमने पर मजबूर कर दिया। आज जयपुर से वो रवाना हो रहे हैं, उनके सुरों के रंगों में रंगी कल की रात अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रही, जहां हजारों की तादाद में प्रशंसकों ने दिलजीत के गानों का लुत्फ उठाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें। दिलजीत अपने चार्म और अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। कल वही चार्म वही एनर्जी स्टेज पर उनकी नजर आई। जयपुर को लेकर के उन्होंने दिल खोलकर अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। कविता हमारे साथ जुड़ी हुई। कविता, कल की शाम सभी को याद रहेगी, लेकिन दिलजीत आपके सामने कोशिश कर सकते हैं बात करने की, और अगर कोशिश भी नहीं तो तस्वीरें देखकर भी हम तो सैटिस्फाई हैं। कविता, इतना शानदार एक्सपीरियंस था कल, क्या कहेंगे? और को गुलाबी कर दिया इस गुलाबी नगरी में और ज्यादा रंग भरते हैं, जो कल जयपुर को गुलाबी कर दिया इस गुलाबी नगरी में और ज्यादा रंग भर दिया, और मैं कह सकती हूँ वन ऑफ द बेहतरीन इवनिंग थी जयपुर के लिए। दिलजीत, एक कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो पहुंच नहीं पाए हमारे तक? सबको बहुत प्यार। तो दिलजीत का जो प्यार है वो हमने एयरपोर्ट पे भी देखने को मिला, जब इन्होंने सबके साथ, और आपने दिलजीत अपना टी शर्ट दिखा सकते हैं, जयपुर का प्यार लेके आप जा रहे हैं जयपुर, आप देख सकते हैं दिलजीत दिल में अपने जयपुर को लेके जा रहे हैं। तो ये जयपुर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है कि दिलजीत का जो प्यार है वो जयपुर वासियों को देखने को मिला, और जयपुर ने पूरी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिलजीत ने जयपुर का दिल जीत लिया। हमने दर्शकों को अपनी जो यहाँ से लाइव तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे दिलजीत यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनका चार्टर प्लेन आ चुका है और कुछ ही देर में चार्टर के थ्रू दिलजीत जयपुर को गुड बाय कहेंगे, लेकिन जो राह शाम जयपुर वासियों के कल नाम दिलजीत की वो जिंदगी भर उनके दिलों में रहेगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो कविता, लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन दिलजीत के एक्सप्रेशन सब कुछ कहकर चले गए। कविता, कल स्टेट से भी राजस्थान को लेकर जयपुर को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जयपुर उनके दिल के इतना करीब है, और वही बातें हर एक मारवाड़ी के दिल में बसी हुई है। अपनी लास्ट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने एक मारवाड़ी को स्टेज पर बुलाया और बिल्कुल उसके साथ में वैसे ही थिरकते नजर आए। लग रहा था कि बहुत सारे चेहरों के बीच में सिर्फ एक अकेला दिलजीत नहीं बल्कि सभी दिलजीत बने हुए हैं। कविता, कल जी हाँ बिल्कुल सही कह रही है, कल जब उन्होंने स्टेज पे लोगों को बुलाया और स्पेशली जो मारवाड़ी जो राजस्थानी पगड़ी का सम्मान उन्होंने दिया, जो पग का सम्मान उन्होंने किया, वो बहुत बड़ी बात थी। और सबसे खूबसूरत बात जो दिलजीत की जो खासकर मुझे लगी, उन्होंने कहा कि मैं आगे चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है वो बड़ा फेमस है, और उन्होंने कहा कि मैं आगे चाहूंगा कि मैं राजस्थान की फोक आर्टिस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन कर सकूं, तो वो जयपुर के लिए राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जी लेकिन कविता, आपको लगता नहीं है क्योंकि टूर्स तो बहुत सारे हो रहे हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी इल्यूमिनाटी के, लेकिन दिलजीत दोसांझ इतना बड़ा नाम जयपुर के टूर से दो दिन पहले पहुंच गए, जयपुर के उन जगहों पर वो पहुंचे जो कि कहे जाते हैं, नारगढ़ से उन्होंने सनराइज का व्यू देखा, मतलब कह सकते हैं कि बड़ी तसल्ली के साथ जयपुर में अपने कॉन्सर्ट को दिलजीत ने खुद भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ का फूड हो गया, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का फोक म्यूजिक, सब कुछ एंजॉय करके दिवाली पार्टी के साथ अपने साथ लेकर गए हैं दिलजीत। कविता, जी हाँ मैं आपको कहूँगी कि जैसे दिलजीत के नाम में ही दिल जीत लेने वाली बात है, लेकिन ये तो शॉर्ट शॉर्ट है कि इस बार जयपुर ने दिलजीत का जो दिल है वो जीत लिया। जिस तरीके से दिलजीत दो दिन पहले कॉन्सर्ट के लिए यहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने जयपुर की पिंक सिटी को एंजॉय किया, नाहरगढ़ गए, उन्होंने आमेर भी देखा, वो सिटी पैलेस भी गए कल, उन्होंने शो के दौरान सिटी पैलेस की और जो राजस्थान के जो सम्मान है उसकी काफ़ी तारीफ करी। तो आई एम श्योर दिलजीत भी एक बहुत खूबसूरत यादें अपने साथ यहाँ से लेके जा रहे हैं, एंड हम चाहेंगे कि दिलजीत आगे भी जो भी टूर्स हो उसमें जयपुर को रखे। पहले भी जैसे कल हम आपको लाइव दे रहे थे और हमने बताया था कि जयपुर जो है वो एकदम एंड में इन्होंने ऐड किया था अपनी लिस्ट में, जयपुर पहले नहीं था, लेकिन आई एम श्योर दिलजीत इज फीलिंग ग्रेट दैट ही एडेड दिस इनटू हिज लिस्ट। और इस तरह के अभी आज आपने देखा जैसे दिलजीत गए उनका जो स्वेटशर्ट था उस पर भी जयपुर लिखा हुआ था,
तो ये एक जो कहते हैं ना कि दिलजीत दिल पे जयपुर को लेके गए, और ऑफ कोर्स दिलजीत की यादें हर जयपुर वासी के, हर राजस्थान वासी के दिल पे बस चुकी है। बिल्कुल आप और सबसे ज्यादा थैंक यू मैं फर्स्ट इंडिया का कहूंगी कि फर्स्ट इंडिया के थ्रू उनके माध्यम से लाखों लोग जो नहीं पहुंच पाए वो उन्होंने दिलजीत को देखा, और आज की जो भी एक्सक्लूसिव हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी तो उसके लिए आई थिंक फर्स्ट इंडिया की तरफ से आई थिंक एवरीबॉडी विल बी वेरी हैप्पी दैट दे हैव सीन दिलजीत ऑन फर्स्ट इंडिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कविता, क्योंकि हमारी कोशिश रही थी और दिलजीत की वो तस्वीरें भी दिखा दी जिसमें अपने ऊपर जयपुर की छाप लेकर पहुंचे हैं, बकायदा एक स्वेटशर्ट जिस पर जयपुर प्रिंट था पिंक कलर से वो लेकर पहुंचे दलजीत, और उम्मीद करते हैं कि जिस मुस्कान के साथ वो पहुंचे वो जल्द ही जयपुर पहुंचेंगे अपने एक नए शो के साथ। शुक्रिया कविता।